हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कमर में दर्द क्यों होता है और कमर में दर्द ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए और फाइनली गाइस इस वीडियो के अंदर आप ये भी जानेंगे कि कमर में दर्द ज़्यादा होने से या फिर कम होने से क्या लड़का और लड़की होने का पता लगाया जा सकता है या फिर नहीं तो दोस्तों अगर आपके मन में इस तरह के डाउट हैं आपको भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कमर में दर्द की समस्या है और आप जानना चाहती हैं कि लड़का होने पे कमर में दर्द ज्यादा होता है या फिर लड़की होने पे तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा ताकि दोस्तों आपकी जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाए ठीक है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आपके कमर में दर्द की समस्या ना हो तो बने रहिए वीडियो के एंड तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑल पे दबा लें जिससे कि आपको इसी तरह की हेल्पफुल डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको कुछ रीज़न बताते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कमर में दर्द की समस्या होने लगती है जब आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक होता है, है दर्द की समस्या हो सकती है, है, है? है तो दर्द की समस्या बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है और कंटिन्यू नौवे महीने में कमर में दर्द हो रहा है बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है आप आराम भी कर रही है तब भी आपके कमर में दर्द की समस्या लगातार हो रही है तो समझ लीजिए ये डिलीवरी होने का है है ठीक लेकिन कई महिलाओं के साथ क्या होता है प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में दूसरी तिमाही में ही कमर में दर्द की समस्या होने लगती है तो ये कुछ रीजन भी हो सकती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर आप आग बहुत ज्यादा काम करती हैं बहुत ज़्यादा झुक के काम करती हैं तो ऐसे में भी आपको कमर में दर्द की समस्या हो सकती है ठीक है साथ ही अगर आप जैसे कि कहीं खाना बना रही हैं किचन में खड़ी होकर खाना बना रही है तो ज्यादा खड़े रहने से भी कमर में दर्द की समस्या होती है और ज्यादा काम कर करने से भी और थोड़ा झुक के सामान उठाने से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है तो आपको भाई ऐसी गलतियां तो करनी ही नहीं है ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर आप पीठ के बल ज़्यादा लेटती हैं प्रेगनेंसी में तो इससे भी कमर में जो दर्द की समस्या है वो कई गुना तक बढ़ जाती है तभी दोस्तों बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए अगर आपका प्रेग्नेंसी का पहला तिमाही शुरू हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए के बल लेटेंगी तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन प्रेग्नेंसी के दूसरी तिमाही में यानी कि जब आपका चौथा महीना स्टार्ट हो जाए तब से आपको पूरे नौ महीने तक पीठ के बल ज़्यादा देर तक नहीं लेटना चाहिए क्योंकि इससे बेबी को भी परेशानी होती है और दोस्तों क्या होता है आपको पीठ में कमर में दर्द की समस्या बनी रहती है तो ये जो मिस्टेक है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करनी है इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ठीक है कमर में दर्द की समस्या ना हो इसके लिए आपको क्या करना है भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना है लिक्विड लेते रहना है जूस पी सकती हैं आप नारियल पानी ले सकती हैं और आठ से दस ग्लास आपको पानी भी पीना है ठीक है इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और ज़्यादा काम नहीं करना है दिन में दो घंटे निकालिए आराम कीजिए और हाँ जब आपको कमर में दर्द की समस्या हो तो आप किसी की हेल्प ले सकती हैं फैमिली मेंबर की और कमर में थोड़ी मसाज करवा सकती हैं ऑयलीव ऑयल से या फिर कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकती हैं यानी कि आप कमर में हल्के हाथों से मसाज करवा सकती हैं ठीक है तो इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा अगर ज्यादा कमर में दर्द की समस्या हो रही है डिलीवरी का टाइम भी नहीं है तो ऐसे केसेस में आप दोस्तों अपने डॉक्टर डॉक्टर से भी संपर्क कर सकती हैं ठीक है देखिए बेस्ट पोजिशन होती है लेटने की वो है लेफ्ट पोजिशन लेफ्ट पोजिशन ज्यादा सोना चाहिए ताकि बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे उसे सारे न्यूट्रिशन वगैरह मिलते रहे ठीक ठीक है है तो हमेशा प्रेगनेंसी में में कोशिश कीजिए आप लेफ्ट लेटने की पीठ या, या फिर नहीं तो आपको घबराना नहीं वीडियो को पूरा देखिए आप सब समझ देखिए आपने काफी आर्टिकल में देखा होगा और शायद वीडियोस में भी सुना होगा कि अगर आपको कमर में दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है तो ऐसे में लड़का होता है और कम रहती है तो ऐसे में लड़की होती है जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है मैंने आपको रीज़न भी बताए हैं कि कमर में दर्द की जो समस्या है वो क्यों होने लगती है मैं रीज़न तो आपको इसीलिए बताती हूँ ना ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएँ और आपको हंड्रेड सही जानकारी मिल जाए तो कमर में दर्द की जो समस्या है वो डिलीवरी होने से पहले भी हो सकती है और कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कुछ आपकी गलतियाँ भी हो जाती हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द की जो समस्या है वो होने लगती है ठीक है अगर ज्यादा हो रही है प्रेगनेंसी में तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए तो भाई लड़का और लड़की से इसका कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ ठीक है होप करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे हमारी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय जय हिंद